पहुंच चुकी हूँ। आपको कितना टाइम लगेगा? ओके फास्ट फास्ट। हाँ रिधि, आई एम जस्ट कमिंग, यू आर ऑन द वे। ओके बाय बाय। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वैसे इतना टाइम कैसे लग गया यार? एक्चुअली थोड़ा ट्रैफिक एंड ऑल। और आज कैसे मिलने का प्लान बना लिया? वो आज से पहले तुम्हारी तरह कोई मिला ही नहीं ना। Really? Yeah. वैसे कितने लड़कियों का बोल चुके हो? सिर्फ 3 लड़कियों को। अरे ये सब छोड़ो, वैसे you looking great, हाँ? तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अच्छा सुनो, काफी टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहता था, पर ना तुम मिले ना टाइम मिला। बोलो। Actually I like you यार। But you have a girlfriend ना? यार मेरी girlfriend थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करता, प्लीज मुझे बात नहीं करनी। ओके ओके बाबा। यार सी, आई लाइक यू, दैट्स इट। एक्चुअली आई हैव आल्सो फीलिंग फॉर यू। या तुम्हारी आंखों में भी दिखता है। ओह रियली? या। एक्चुअली एक बात बोलूं, मैं भी काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी। मिलना तो मैं भी चाहता था, पर तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी ना। प्लीज यार उसकी बातें मत करो तो बेटर होगा। क्यों, क्या हुआ? मूड खराब हो जाएगा यार मेरा उसकी बातें स्टार्ट करूंगी तो। अरे तो मेरा मूड कौन सा ठीक है, बताओ बताओ। इतना चेपुल, सुबह शाम मैसेज में बात करो, खर्चे नहीं उठा पाता है मेरे, जॉब करे तो जाता कहाँ है, और किसी भी फ्रेंड्स में मिलवाने लायक नहीं है। कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, कुछ भी नहीं यार, फिर भी इतना एटीट्यूड। सुबह शाम मैसेज करो, सुबह शाम यहाँ आओ, वहाँ आओ, कहाँ जा रही हो, इधर से नहीं होगा यार। You know what? Just forget about it. अच्छा कुछ खाओगी? हाँ। Waiter. वैसे तुम्हारी GF कैसी है? अब प्लीज मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, वो जैसी भी हो। क्यों? क्या हुआ? अरे यार कोई लड़की है क्या? ना कपड़े पहनने का ढंग है ना कुछ और है। मेरे दोस्त भी बोलते हैं यार किसको पटा लिया तूने? आमीन हद होती है यार किसी चीज की, ना उसको दोस्तों के सामने लेके जा सकता ना कहीं और लेके जा सकता। इरिटेट इतना करती है ना, मतलब प्यार हो गया प्यार हो गया। अरे मुझे नहीं हुआ यार प्यार उससे, मैं उसको क्या समझाऊं, मतलब आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसको किस भी करना नहीं आता था। आई मीन इमेजिन। क्यों तुम्हें आता है? सो फॉरगेट ऑल द थिंग्स, ये बताओ व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। बोल दूं? बताओ। एक्चुअली आई लाइक यू। मे बी I like it too. Proof करो। मेरे पास अभी कुछ है नहीं, लेकिन मैं अपने favorite novel की कसम खा के बोलती हूँ। Favorite novel? This one. Hey. Yellow. I think मैंने देखी थी किसी के पास ही book. किसके पास? हाँ यही तो थी। बाहर मुझसे कोई टकराया था, I don't know. यही book थी. Same book यार. लेकिन ये book बहुत rare edition होती है। तुम्हारी ये book उस लड़के के पास थी, मैं बोल रहा हूँ ना यही book. Thank you.
जिंदगी पर एक किताब लिखूंगा। मैं उसमें अपना सारा हिसाब लिखूंगा, हुआ मोहब्बत में बर्बाद कैसे, अपनी किस्मत खराब और उसकी जुदाई का हिसाब लिखूंगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी हाँ, हाँ ये जो शायरी लिखी है ये आपने खुद लिखी है? हाँ मैंने लिखी है। ओह वाओ, थैंक यू। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? हाँ श्योर। क्या ये लाइन सच्ची में आपने लिखी है? हाँ। वैसे मैं भी लिखती हूँ पर शायद आपसे अच्छा नहीं लिख पाती। वैसे ऐसा क्यों? बस यूं ही। कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जैसा लड़का इतना अच्छा ऐसे यूं ही तो लिखेगा नहीं, क्या बात है बताओ। कभी कभी कुछ चीजें बेवजह ही होती है, इसलिए मैं बेवजह लिखता हूँ। अब तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा मैं ही अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान हूँ, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा हो। वैसे तुम क्यों लिखती हो? बस पत्तों की तरह समेटा गया मुझको एक शख्स ने, समेटा और आग लगा दी, छोड़ दिया गया मुझे मेरी कमियां बताकर। फिर भी एक आस हर रोज होती है, सपनों में वही तलाश होती है, बुला तो लूँ उसको पर कुछ खामोशियों की भी अजमाइश होती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आई हैव टू गो।